वेलकम बैक टू एफएसए एंटरटेनमेंट। संजरी गोट फार्म पे हूँ मैं शकील भाई के बेटे और भांजे के साथ, सैफ एंड शाहनवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैफ शाहनवाज, एक और गुजरी का लॉट है बिक्री के लिए। जी जी जी, जी वो पहला वाला जो था 800 रुपए पर केजी के हिसाब से एंडुल बकरे थे। जी फादर, ये थोड़े वजन में कम है तो इनका रेट कम है? ये भी सेम रेट पे है, सेम रेट में। वजन में तो ठीक है, बाकी तो कम। ये तो 110। अच्छा हाँ, वो भी सेम वेट है, 95 अबाव आएगा। हाँ, वो भी 90 अबाव आएगा। ओके, इसमें खाली दो बकरे लाइट है, मतलब हल्के है, वो भी 80 अराउंड आएंगे। सिर्फ ये पलाई क्लाइंट्स के कि हमारे खुद के? नहीं, ये अपने खुद के फाद भाई। मेरे को थोड़ा सा अंडुल का शौक आया था ये साल ही। हाँ, इसकी वजह से मैंने अंडुल ही खरीदे, ज़्यादा परचेसिंग की। ओके ओके, सो अंडुल बकरे है बिक्री के लिए। दाँत देख लो इसके कितने दाँत हैं, आप सब लोग दाँत देख लो कितने हैं। 8 दाँत है, 8 दाँत। ये 8 दाँत पे होगा आपका, देखो 8 दाँत पे, 8 दाँत पे है सारे बकरे। वजन हाइट तकरीबन आई थिंक सेम ही है, 38-39 होगी। बस खाली वो दो बकरों की थोड़ी ज्यादा होगी। बस ठीक है, वजन करा लेंगे। चले एक एक करके, चलो जावेद कांटे पे ले लो। 3 गुजरी है, 2 इसकी सींग कटी हुई है क्या? किसकी बात भाई, घस गई है, घसी हुई है वो, धसती तो खुद ही घस ले। चले निकालो जा। नाइन्टी थ्री केजी माशाल्लाह। गुजरी हाइट भी अच्छी है इसकी माशाल्लाह। एटी टू केजी, ये 110 बोल रहे हो ना? हाँ। ये थोड़ा सा हल्का होगा, 68 केजी का बकरा है ये भी। 110 नहीं होगा सर, 103-104 किलो का होगा। 105 तक तो होना चाहिए भाई। एग्जैक्ट 100 किलो का बकरा है। एग्जैक्ट 100 किलो का बकरा है। तो जो भी है 800 रुपए पर केजी के हिसाब से प्राइस जो है हल्का फुल्का नेगोशिएबल है। ईद तक के रखना है, ईद तक के रखना है तो 100 रुपए पर डे चार्ज है, अपना चार्ज है। ठीक है, चलिए नंबर दोनों का डाल रहा हूँ, शाहनवाज आपका भी और सैफ का भी। और अंडुल की पलाई, अगर किसी को पलाई पे भी रखना है तो अपने पास 3,500 केजेस खाली मिल जाएंगे बकरा ईद बाद इंशाल्लाह। अभी तो स्टॉक फुल है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।